वेल गाइस, इस वाला टिफाइन का बेस्ट चीज इसके स्पाई ग्लासेस में बॉर्डर ही नहीं है, जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये बढ़िया था गुरु। 1.19 से पहले ही अपना गेम ज्यादा अच्छा था क्योंकि लैग बहुत कम होता था, और 1.19 के बाद तो तुम सभी तो पीवीपी करते ही होगे अपने फ्रेंड के साथ, एंड सभी का फोन ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। जैसे जैसे माइनक्राफ्ट में नए नए अपडेट्स आते रह रहे हैं, जितना भी लो एंड डिवाइस है उनमें काफी ज्यादा लैग होने लगा है, एंड उसको कम करने का बेस्ट ऑप्शन है ऑप्टिफाइन। एंड सारे ऑप्टिफाइन कम नहीं करते हैं, उनमें से कुछ ही ऑप्टिफाइन रहते हैं जो लैग को काफी ज्यादा कम कर देते हैं एंड तुम्हारा एफपीएस को काफी ज्यादा बूस्ट कर देंगे। सो कर दो यार लाइक एंड सब्सक्राइब क्योंकि आज तुम्हें मिलने वाला बेस्ट ऑप्टिफाइन इंडिया। अगर तुम्हारा कोई फेवरेट क्लाइंट है तो उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसका भी सबसे ज्यादा अच्छा होगा नेक्स्ट पर मैं उसको ऐड करूंगा। ओके, सो ये रहा अपना फर्स्ट क्लाइंट। वेल गाइस, इसका नाम है प्रोजेक्ट लाइट वर्जन 2। इसका यूआई बहुत ज्यादा बढ़िया है, सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो, सब चीज बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। क्विक सेटिंग का ऑप्शन इसमें हमें मिल जाता है। क्रिएट वर्ल्ड में जाओगे तो यहां का भी पूरा सेटिंग्स चेंज है। स्पीड रनर्स के लिए इसमें क्विक ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें डिफॉल्ट हमें कनेक्टेड ग्रास भी मिलता है। सर्वाइवल में इन्वेंटरी ओपन करोगे तो क्विक क्राफ्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बस बटन पर टैप करो एक ही बार में सब चीज क्राफ्ट हो जाएगा। वॉच स्क्रीन पे जाओगे तो स्किन्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां जाके इन गेम स्किन चेंज कर सकते हो। वॉच स्क्रीन पे नीचे अगर देखोगे तो मॉड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप करोगे तो यहाँ पर मॉड मेन्यू ओपन हो जाता है। आर्मर एचडी को ऑन करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज में शो होगा कि कितना हेल्थ तुम्हारे आर्मर का बचा हुआ है। विल गेस, इस वाले क्लाइंट में बाकी क्लाइंट से ज्यादा एडिशनल फीचर है, जैसे डे काउंटर, 100 डे सर्वाइवल पे वीडियो जो बनाते हैं या खेलते हैं उनके लिए ये बेस्ट फीचर है। डायरेक्शन एचडी को ऑन कर लोगे तो डायरेक्शन भी शो होने लगेगा। विल गेस, इस वाले क्लाइंट का डीबग स्क्रीन बाकी सब क्लाइंट से अच्छा है, तुम देख ही सकते हो इसमें कितने सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। एफपीएस मीटर भी इसमें हमें मिल जाता है, डे काउंटर के जस्ट ऊपर में एफपीएस मीटर आ जाएगा। मोड मेन्यू को लास्ट में जो सेटिंग का सिंबल दिख रहा है उस पे अगर टैप करोगे तो बाकी की चीजें यहां से कंट्रोल कर सकते हो। सर्वाइवल मोड में मैंने तुम्हें स्पीडोमीटर का मॉड दिया था, वो वाला फीचर भी इसमें रहता है। ओके, सो अपना सेकंड क्लाइंट है फोर्ट्रेस क्लाइंट। इसका यूआई देख सकते हो बहुत ज्यादा मस्त लगता है देखने में। इसका भी सेटिंग लास्ट वाले क्लाइंट के जैसा ही है। क्विक एक्सेस का इसमें भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। वर्ल्ड में आओगे तो तुम्हें यहां पर कीस्ट्रोक्स भी मिल जाएंगे, एंड आर्मर एचडी भी रहता है, F1 बटन भी रहता है। एंड या इसमें भी हमें डिफॉल्ट कनेक्टेड ग्रास मिलता है। राउचो के अगर इधर उधर देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन शो होने लगेगा। थर्ड पर्सन व्यू में शायद कुछ ग्लिच है, कर्सर यहाँ पर शो होता है। इस वाले क्लाइंट का ऑफिशियल कैप भी हमें मिलता है, एंड इसमें विंग्स भी रहते हैं बैडलैंड क्लाइंट्स के जैसे। लैग हटाने के लिए फायर पार्टिकल्स को रिमूव कर दिए गए हैं। इस क्लाइंट को लगाने के बाद लैग जरा सा भी नहीं होगा, चाहे कितने भी TNT फोड़ लो। सो वर्ल्ड में एंटर कर गया हूं, एंड अब तुम्हें मैं दिखा रहा हूं ये वाला ऑप्टिफाइन जो लिटरली काफी ओपी है। इस वाले ऑप्टिफाइन एंड इस वाले शेडर का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बेस्ट है। इस ऑप्टिफाइन में हमें कैप भी मिलेगा, एंड इसका तुम लोग बटन वगैरह सब चीज देख सकते हो, हॉट बार्स वगैरह कितना ज्यादा मस्त लग रहा है देखने में। अगर इसी वाले सेटर के साथ तुम भी खेलना चाहो तो इसमें वेविंग इफेक्ट भी तुम्हें मिलेगा। इसमें हमें कनेक्टेड ग्रास भी मिल जाते हैं जो ऑप्टिफाइन के साथ ही आते हैं। इसमें हमें शॉर्ट शॉर्ट मिलता है, मतलब वो जो लॉन्ग वाला रहता है वो अब इसमें नहीं रहेगा, एंड ये वाला काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है देखने में। किसी भी मॉब वगैरह को अगर मारो तो उसमें जो इफेक्ट आता था वो नहीं आएगा। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले मॉड वाला वीडियो मैंने परसेंटेज ब्रेकिंग वाला मॉड दिया था, सेम टू सेम वैसा ही इसमें भी है। देख सकते हो जो ब्रेकिंग एनिमेशन है वो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। वेल गाइस, इस वाला ऑप्टिफाइन का बेस्ट चीज इसके स्पाई ग्लासेस में बॉर्डर ही नहीं है, जो काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। ये बढ़िया था गुरु। जब हम जैसे सी बटन से हम लोग जूम इन कर सकते हैं, सेम टू सेम इसमें हम लोग स्पाई ग्लासेस से कर सकते हैं। ओके, इसमें फायर पार्टिकल्स को भी हटा दिया गया है, देख सकते हो फायर पार्टिकल्स है नहीं। इन पे अगर खड़े हो गए तो अपने हाथ को देख सकते हो, वो जलते हुए दिखेगा लेकिन फायर नहीं दिखने वाला है। क्रिएटर ने अच्छा काम किया है, शाबाश। सारे पोशन से भी पार्टिकल्स को हटा दिया गया है। विल गाइस, इस वाले ऑप्टिफाइन में कनेक्टेड ग्लास भी रहता है। एक बार इस वाले ग्लास को देखो, ये कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, लिटरली इसके आर पार हम लोग इजीली देख सकते हैं। वाओ, इसके सेटिंग्स में जाओगे तो तुम्हें बहुत सारा चीज चेंजेस मिलेगा। यहाँ पर देख ही सकते हो सब चीज एकदम अलग अलग सेपरेट जगह पे हो गया है। यहाँ पर तुम्हें नए नए ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे परफॉर्मेंस, व्यू सेटिंग्स, ग्राफिक सेटिंग्स। विल गाइस, लैग चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका TNT फोड़ दो। इस घर में मैंने TNT लगा दिया, एंड ये देख सकते हो ब्लास्ट हुआ एंड लैग जरा सा भी नहीं हो रहा है। इसके सेटिंग्स में भी तुम्हें चार अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे वीडियो में तुमने जो देखा वो लास्ट वाला ऑप्शंस था। इसके थर्ड वाले ऑप्शन पे जाओगे तो तुम्हें डिफॉल्ट बटन हाइडर भी मिल जाएगा, एंड उसको एक्टिवेट करके अगर वर्ल्ड में एंटर करोगे तो बटन्स गायब हो जाएंगे एंड जितने भी ओर्स रहेंगे सभी में आउटलाइंस लग जाएगा। लेकिन तुम देख ही सकते हो जो बढ़िया वाला हॉट बार था वो हट गया इसमें। इसके अलावा बाकी चीज सब चीज सेम है, देख सकते हो पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा। सो या गाइस, ये था माइनक्राफ्ट PE के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्टिफाइन जो तुम्हारे गेम के लैग को बहुत ज्यादा कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी गेम लैग होता है या तुम्हें ऑप्टिफाइन में खेलना ज्यादा पसंद है तो तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो, लिटरली बहुत ज्यादा मजा आएगा इसमें खेलने में। सो या, मिलता हूं मैं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.